तमाम साथियों को मैं नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्वी राजस्थान से चलकर हम लोग हमारे पुरखों की धरती में पहुंचे हैं और यहां आप सभी लोगों के बीच मौजूद हैं। सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि किन परिस्थितियों के अंदर वो इस तरीके का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक वक्ता ने कहा कि यहाँ पर किस तरीके का प्रेशर होता है, लेकिन हमें इस प्रेशर को तोड़ना पड़ेगा और तभी हम जो हमारा वास्तविक इतिहास है निडर होकर लोगों के सामने रख पाएंगे और बेझिझक होकर हमें कहना पड़ेगा कि राणा पुंजा कोई राजपूत नहीं, राणा पुंजा भील है, भील थे और भील रहेंगे। साथियों, हमारे पुरखे केवल ऐसे नहीं है कि केवल राणा पुंजा भील को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी तमाम नायक और नायिकाएं रही हैं, उन्हें इतिहास की किताबों से गायब किया गया और इतिहास में उन लोगों को जगह दी गई जो युद्ध मैदानों से भाग गए उन्हें राणा कह दिया, और जिन्होंने अंग्रेजों के लिए माफीनामे लिखे उन्हें वीर कह दिया। लेकिन इस देश की आजादी के लिए और इस देश की जमीन के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उन लोगों को इतिहास की किताबों में कहीं भी जगह नहीं दी गई, और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस दिशा में हमारे तमाम साथी लगातार अपनी कलम चला रहे हैं और इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो वास्तविक इतिहास जो दलालों ने हम तक नहीं पहुंचाया वो इतिहास अब हमारे लोग आप लोगों के बीच पहुंचाएं। लेकिन इस मन से मैं ये कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि इस दौरान हमने देखा है पिछले एक डेढ़ साल के अंदर कि पिछले 7-8 साल से तो हम यहाँ के लोग, दक्षिण राजस्थान के लोग, पूरी राजस्थान लोगों के बीच जो सामंजस्य बैठा है और जो गठजोड़ बन रहा है, जो भाईचारा बढ़ रहा है, उससे कुछ लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं और वो आदिवासी मीणा समुदाय और आदिवासी भील समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि हम लोग एक ही माँ के जाए दो बेटे हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, और हम दोनों मिलकर जब लड़ेंगे साथ में, क्योंकि अभी भंवर दादा का मैं एक भाषण सुन रहा था और भंवर दादा कह रहे थे कि आदिवासी भील समुदाय अपनी कल्चर में, अपनी संस्कृति में, अपने कस्टम्स में बहुत रिच है, और जो आदिवासी मीणा समुदाय है वो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले में थोड़ा आगे है। तो अगर ये दोनों ताकतें एक साथ मिल जाएं, तो इस राजस्थान में हम बड़ा फेर बदल कर सकते हैं। तो जो ताकतें जो डर रही हैं कि ये दोनों समुदाय एक ना हो जाएं, उन लोगों को भी हमें एक जवाब देना पड़ेगा और हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो इतिहासकार हमारे पूरी राजस्थान के हो, चाहे कहीं के भी हो। जो आपकी जिस तरीके से हमें दुख होता है, राणा पुंजा को कोई राजपूत बताता है तो हमें दुख होता है कि वो हमारा आदिवासी नायक है, उसे राजपूत किस तरीके से बताया जा रहा है। अगर इसी तरीके से कोई भील समुदाय के नायक को आप किसी दूसरे आदिवासी समुदाय से जोड़ेंगे तो उस आदिवासी समुदाय को दुख होना लाजमी है और कोई भी अपनी पहचान पर हमला स्वीकार नहीं करेगा। तो जो लोग इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं उन्हें भी वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों समुदायों के बीच में बैर बढ़ सकता है, जबकि ये दौर आपसी बैर को भुलाकर एक मजबूत एकता स्थापित करने का है, ताकि हम लोग लड़े जीते और जो इतिहास किताबों से गायब कर दिया गया और जिस इतिहास से हमारे युवा वाकिफ नहीं है, उस इतिहास से पूरा देश और दुनिया वाकिफ हो। और केवल ये इतिहास लेखन तक ही बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ये बातचीत राजनीतिक ताकत, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी कुंजी वर्तमान जब लोकतंत्र की जब बात हो रही है तो पूरा सिस्टम आपकी राजनीतिक ताकत के ऊपर टिका हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं आदिवासी परिवार किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग अभी पूरे इस क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं, भील प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं, और हम तमाम जगह जा रहे हैं और आदिवासी कार्यकर्ताओं से और राजनीतिक लोगों से मिल रहे हैं, ताकि जो राजनीतिक समझ जो आदिवासी परिवार ने काम आपके भील प्रदेश में किया है, उसी तरीके का काम हमारे पूर्वी राजस्थान में भी हो, ताकि एक मजबूत गठजोड़ बने और हम इस लड़ाई को जीते। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, और अंत में सभी साथियों को एक बार इनकलाब जिंदाबाद, जय जवाहर।